आज हम बनाएंगे पिज्जा, वो भी बिना मैदा यूज किए, ना ही घंटों रखना है, ना ही ओवन यूज करना है, झटपट तरीके से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 1.5 कप सूजी और ये आधा कप दही है, हम इसमें डाल देंगे। सूजी हमने बारीक वाला लिया है, अगर आपका मोटा वाला है ना तो थोड़ा सा मिक्सर जार में चला ले, बारीक हो जाएगा। तो 1 कप ये पानी है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम बैटर तैयार करेंगे पिज्जा का। और इसका बैटर हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, इसका बैटर हमें गाढ़ा ही चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर तैयार करेंगे, पतला करेंगे तो थोड़ा पलटने में दिक्कत होगी। तो देखिए ये हमारा बैटर तैयार हो गया, ऐसा ही बैटर चाहिए गाढ़ा गाढ़ा। तो अब हम इसको ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और हमें इसका बैटर लगाने में 1 कप के करीब पानी यूज हुआ है, देख रहे हैं ना, इसमें 2 चम्मच पानी बचा है। तो देखिए ये हमारा 20 मिनट हो गए रेस्ट होते हुए। तो देखिए ये हमारी सूजी फूल चुकी है, पहले से गाढ़ा भी हो चुका है। जो हमारा पानी बचा था ना 2 चम्मच, उसी में से हम डालेंगे, थोड़ा सा हम डालेंगे। और देखिए 1 चम्मच के करीब बच गया है, तो इसको हम साइड करेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे, मिला देंगे बढ़िया से। तो देखिए ये हमारा मिल चुका है। तो चलिए अब हम इसमें डाल लेंगे नमक, तो 1/4 के करीब हम नमक डालेंगे और 1/2 चम्मच हम डालेंगे इसमें पीसी हुई शक्कर, पिज्ज़ा में थोड़ा सा शक्कर रहता है ना, तो अच्छा लगता है। और 1/2 चम्मच हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर, ये पाउडर है, सोडा नहीं है, डाल देंगे। डाल के इन सबको बढ़िया से मिला लेंगे, चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे ताकि एक में सब मिल जाए। और पीसी हुई शक्कर है तो बहुत आसानी से घुल जाता है, अगर खड़ा रहेगा तो टाइम लगेगा। अगर खड़ा है आपके पास तो पहले ही डाल दे, जब हमने रेस्ट पे रखा था ना बेटर, तो उसी समय शक्कर डाल दे तो आपका घुल जाएगा। तो देखिए ये हमारा बेटर तैयार हो गया, इसको हम साइड करेंगे। और पिज्ज़ा के लिए हमने कुछ सब्जियां लिया है, 1/2 शिमला मिर्च है हमने काट लिया है थोड़ा मोटा मोटा, और 2 प्याज है जिसका हमने कली निकाल लिया है, और 3-4 हरी मिर्च है, 1 टमाटर है, और ये ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स, और ये हमने पिज्ज़ा सॉस लिया है 4-5 चम्मच। तो चलिए अब हम गैस के पास चलते हैं पिज्ज़ा बनाने। तो चलिए गैस जलाएंगे और गैस पे पैन रखेंगे, हम पैन में पिज्ज़ा बनाएंगे और थोड़ा सा हम पैन को गर्म होने देंगे 1 मिनट के लिए। और उसके बाद हम डाल देंगे 1/2 चम्मच बटर, बटर के जगह पे आप चाहें तो रिफाइन ऑयल भी ले सकते हैं या फिर घी ले सकते हैं, पर बटर में अच्छा लगता है। तो चारों तरफ हम फैला देंगे बटर को और 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो देखिए गर्म हो चुका है, अब हम बैटर को डाल देंगे इसमें, तो 3-4 कलछी हम डाल देंगे इसमें, और ये इसको हम फैला लेंगे कलछी से, और एकदम एक जैसा हम फैलाएंगे, जैसा पिज्ज़ा का बेस रहता है ना वैसे ही हम फैला लेंगे। देख रहे हैं कितना अच्छे से हमारा बन चुका है, इसका किनारा जो है ना हम ठीक कर लेंगे, एकदम एकदम हमारा गोल पिज्ज़ा बने। तो देखिए ऊपर से भी हम अच्छे से एक जैसा कर देंगे। और अब हम इसको ढक के पकाएंगे 5-6 मिनट के लिए, और फ्लेम को हमने लो रखा है, लो फ्लेम पे ही आपको पकाना है तभी अच्छे से पकेगा। तो देखिए ये हमारे पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन हटाएंगे, देख रहे हैं ना ऊपर से एकदम अच्छे से सूख गया है, यानी कि हमारा तैयार हो गया है। देखिए पलटने में भी कोई दिक्कत नहीं है और ये अपने आप छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, आप देख सकते हैं ना इधर से भी बहुत अच्छे से पक चुका है। और अब हम थोड़ा सा किनारी पे लगा देंगे बटर। तो चलिए अब हम टॉपिंग लगाने से पहले गैस को बंद करेंगे, बंद गैस पे ही आपको टॉपिंग लगाना है, नहीं तो क्या होता है ना कि पिज्ज़ा को जलने का डर रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस पे सॉस लगाएंगे, ये पिज्ज़ा सॉस है। तो देखिए चारों तरफ हम पिज्ज़ा सॉस लगा देंगे और ये किनारी को छोड़ते हुए लगाएंगे। अगर पिज्ज़ा सॉस आपके पास नहीं है तो टोमेटो सॉस और शेजवान सॉस है ना, तो उसको मिक्स करके बना सकते हैं। 2 चम्मच शेजवान सॉस लीजिए और 3-4 चम्मच टोमेटो सॉस डाल दीजिए और मिला दीजिए, तो आपका पिज्ज़ा सॉस तैयार हो जाएगा। और उसमें थोड़ा सा ओरिगेनो डालना ना भूले, उससे बहुत अच्छा बनता है। चिली फ्लेक्स भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, तो आपका सेम एकदम पिज्ज़ा सॉस की तरह तैयार हो जाएगा। तो देखिए एक समान हमारा पिज्ज़ा सॉस लग गया है, अब हम टॉपिंग करेंगे इस पे, टॉपिंग लगा देंगे। तो देखिए टॉपिंग से पहले हम थोड़ा सा पहले चीज़ डालेंगे, चीज़ डालेंगे ना तो ऊपर नीचे चीज़ रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए चारों तरफ हम फैला देंगे चीज़ को और उसके बाद हम
टॉपिंग लगाएंगे तो सबसे पहले हम प्याज लगाएंगे और उसके बाद हम शिमला मिर्च भी लगा देंगे चारों तरफ। तो देखिए हमारा प्याज शिमला मिर्च लग गया है। अब हम टमाटर लगाएंगे और जो आपके पास सब्जी हो ना वो अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। और टमाटर भी हमारा लग के तैयार हो गया। अब हम इस पर थोड़ा सा स्वीट कॉर्न लगाएंगे, तो ये बॉयल स्वीट कॉर्न है, चारों तरफ लगा देंगे। इसे बहुत टेस्टी लगता है, हो तो ज़रूर लगाए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा हरी मिर्च है डाल देंगे। तो चलिए हमारा लग गया। अब हम ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे और टेस्ट बढ़ाने के लिए, और थोड़ा सा ओरिगेनो चारों तरफ फैलाते हुए लगा देंगे। और अब हम लगाएंगे चीज़, तो चारों तरफ हम एक समान लगाएंगे फैलाते हुए। और ये हमने चीज़ ना 200 ग्राम लिया था, तो हम दो पिज़्ज़ा बना रहे हैं ना, तो एकदम परफेक्ट रहता है इतना 200 ग्राम, दोनों में 100-100 ग्राम यूज होता है। तो और थोड़ा सा हम ऊपर से ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। और उसके बाद हम ये बटर चारों तरफ किनारे पे लगा देंगे ताकि बढ़िया से हमारा पिज्जा बने। तो देखिए चारों तरफ हमने बटर को लगा दिया है। और अब हम क्या करेंगे ना कि इसको ढक के पकाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, गैस जला लेंगे और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। और देखिए ऊपर से हम थोड़ा सा स्वीट कॉर्न और डाल देते हैं ताकि दिखता है तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा हरी मिर्च है डाल देंगे। तो चलिए अब हम इसको ढक के पका लेंगे 10 से 12 मिनट के लिए, और एकदम लो फ्लेम रखेंगे। लो फ्लेम पे ही आपको पकाना है। और 10 से 12 मिनट में बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाता है, और बीच में चेक भी कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा पिज्ज़ा बन के तैयार है, देख रहे हैं ना कितना अच्छे से चीज़ मेल्ट हुआ है। और देखिए निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से निकल जाता है, देख रहे हैं ना। तो चलिए ऐसे ही हम बना लेंगे दूसरा वाला। और देखिए इसको हम पीछे से दिखा रहे हैं आपको, देख रहे हैं ना कितना अच्छा से पका हुआ है। कलर इसका देखिए बहुत मस्त कलर आया है पीछे का भी। तो देखिए क्या पिज्जा बना है, आपको चारों तरफ को दिखाते हैं, और देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। देखा आपने कितना आसान था पिज्जा बनाना, ना ही इसमें आपको मैदा चाहिए, ना ही आपको घंटों रखना है, और बहुत आसान तरीके से झटपट बनके तैयार हो जाता है सूजी और दही और थोड़े से सब्जियों से, और घर पे ही रखे सामान से तैयार हो जाता है। और स्वाद तो ऐसा कि आप बाहर का पिज्जा भूल जाएंगे एक बार अगर इसको बना लिया, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगता है। और हाँ सबसे बड़ी बात कि इसमें मैदा नहीं है, तो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि सूजी और दही और सब्जियों से हमने बनाया है। और बच्चे तो बहुत प्यार से खाएंगे, मांग मांग के खाएंगे आपसे, बार बार टिफिन के लिए भी बनवाएंगे। तो ऐसे आप जरूर ट्राई करें और हमें जरूर कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।